This channel is for education purpose and we do not recommend you to buy or sell any stocks. Before investing in our predictions, please take advice from your financial advisor. We are not responsible for any of your profit and losses. So बात कर लेते हैं 18 अगस्त 2020 की कॉल्स की. तो वो थी हमारी फर्स्ट जो हमारा कॉल था वो था सेंचुरी टेक्सटाइल. मतलब कल जो आज की मैंने कॉल दी थी टेलीग्राम चैनल पे मैंने सन टीवी दिया था और बाकी की तीन कॉल मैंने आपको यूट्यूब पे कॉल्स प्रोवाइड करी थी. आपको प्रीवियस वीडियो में जाना पड़ेगा हमारी वीडियो देखने के लिए कि क्या क्या लेवल्स थे, उसमें सबका आपको पता चल जाएगा. इसमें हमारा एक टारगेट, मतलब सबके टारगेट लगभग अचीव, स्टॉप लॉस हमारा कहीं भी हिट नहीं हुआ. तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, आप टेलीग्राम चैनल में ज़रूर ज्वाइन हो जाएगा. मैं आपको मॉर्निंग में एक या दो कॉल्स दे ही देता हूँ. चलिए बात कर लेते हैं 19 अगस्त 2020 की कॉल्स की. तो आप पहले तो हमारा स्टॉक है BEML, जिसे आप बाय करके चलेंगे जब लेवल ब्रेकआउट होगा 713 का. लेवल ब्रेकआउट कैसे होगा? बाय साइड का 713.10 जब स्टॉक हो जाएगा, स्टॉक की प्राइस हो जाएगी, तब आप इसे बाय कर लेंगे. पहला टारगेट रहेगा आपका 714.50, ये छोटा रहेगा ताकि आप सेफ प्ले कर सकें. अपना जो स्टॉप लॉस है आपका 709 का. जब आप 713 पर बाय करेंगे 709 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा. तो 709 का स्टॉप लॉस आप 714 पे प्लेस करने के बाद 718 और 722 तक का वेट कर सके इजीली, और आपको डर नहीं रहेगा कि आपका जो आपने अर्न किया है वो आपसे जाएगा. तो इसलिए पहला टारगेट प्राइस छोटा. तो ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी. शॉर्ट सेलिंग का लेवल ब्रेकआउट कैसे होगा? 707.90 जब हो जाएगा तब आप इसे शॉर्ट सेल करेंगे. अगेन टारगेट छोटा, पहला 706.50, 703, 700 और स्टॉप लॉस रहेगा 712 का. अगला स्टॉक है हमारा गोदरेज प्रॉपर्टी, जिसे आप बाय करके चलेंगे 895 पे. टारगेट रहेगा आपका 896.50, सेकंड टारगेट प्राइस रहेगा 902 और थर्ड टारगेट प्राइस रहेगा 908. स्टॉप लॉस रहेगा आपका 890 का. शॉर्ट सेलिंग प्राइस रहेगी आपकी 889 की, मतलब कि लेवल जब ब्रेकआउट होगा 889 का तब आप इसे बाय कर लेंगे. हर स्टॉक में लेवल ब्रेकआउट होने के बाद ही आप बाय करेंगे. और जो स्टॉप लॉस आपको दिया होगा वो स्टॉप लॉस ऐसे होगा जैसे बाय साइड का स्टॉप लॉस मैंने आपको यहाँ पे दिया है 890 का. तो 890 से जब स्टॉक नीचे जाने लगेगा, अगर 890 पे वेरी कर रहा है तो भी स्टॉप लॉस हिट नहीं मानेंगे आप. 890 से नीचे जाने लगेगा तब आप स्टॉप लॉस हिट मानेंगे और अपना जो है ट्रेड से बाहर आएंगे. तो ये बात क्लियर कर दी. शॉर्ट सेलिंग का इसका जो टारगेट प्राइस है वो पहला वो है 887.50 का, सेकंड टारगेट प्राइस है 884 और थर्ड टारगेट प्राइस है 880 का. स्टॉप लॉस है इसका 894 का. अगला स्टॉक मैंने आपके लिए चुना है वो है सीमेंट, जिसे आप बाय करके चल सकते हैं 1244 पे. पहला टारगेट प्राइस एज यूजुअल छोटा ताकि आप सेफ ले कर सकते हैं. बिगनर्स पहले टारगेट प्राइस पे बाहर आ सकते हैं, उसके बाद मूवमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं कि सेकंड और थर्ड टारगेट प्राइस तक इस एक पर्टिकुलर स्टॉक ने कैसी मूवमेंट दी. ये चीज़ ही आपको एक्सपीरियंस लाएगी मार्केट में. आप अगर हमारी जानना चाहते हैं कि हमारे पेड क्लाइंट्स के लिए क्या कॉल थी, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा हमारी वेबसाइट का. वेबसाइट में जाके अवर लेटेस्ट अपडेट में आपको हमारी सब्सक्राइबर्स की कॉल मिल जाएगी. आप हमारा प्लान सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहीं अवर लेटेस्ट अपडेट के नीचे आपको हमारा प्लान भी मिल जाएगा. और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा. तो इसका बाइंग लेवल है 1244 का, टारगेट है 1246, 1250, 1255 का स्टॉप लॉस है 1239 का. शॉर्ट सेलिंग प्राइस है 1238, टारगेट है 1236, 1232 और 1228. क्योंकि देखिए ये स्टॉक एक दिन अगर अच्छी मूवमेंट दे, इसका मतलब ये नहीं है हर दिन अच्छी मूवमेंट देगा. कॉन्स्टेंटली जैसी मूवमेंट दे रहा है उसके हिसाब से मैंने इसका टारगेट पिक किया है, और कल ये अच्छी मूवमेंट दे सकता है इसलिए भी किया है. स्टॉप लॉस है इसका 1243 का. एक बात याद रखिएगा, अगर पहली बार में आपका स्टॉप लॉस हिट होता है आप दोबारा से कॉल ले सकते हैं, बट पहली बार में स्टॉप लॉस हिट नहीं होता तो टारगेट अचीव हो जाता है तो आप दूसरी बार वो कॉल नहीं लेंगे. दूसरा रूल कि अगर स्टॉक गैप अप ओपन होता तो आप क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए आप कर्सर की कर्सर देखिए, ये मान लीजिए इस लाइन पे, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ. मान लीजिए वेट अ मिनट, मान लीजिए जैसे ये लाइन है हमारी बाई की, बाई करने के लिए मैंने इस लाइन पे बोला. इस लाइन का प्राइस है जैसे सीमेंट्स की प्राइस मान लीजिए 1244 की, और ये जो लाइन दिख रही है आपको ये लाइन बन रही है आपकी शॉर्ट सेलिंग प्राइस की, ये जो की है 1238 की. अब जब स्टॉक अगर मान लीजिए गैप अप ओपन हुआ, यहाँ पे कहीं ओपन हो गया स्टॉक, यहाँ पे ओपन होने के बाद स्टॉक क्या है नीचे आएगा. अगर नीचे आएगा और उसके बाद यहाँ पे होल्ड लेगा, हल्का सा होल्ड, होल्ड कैसे लेगा देखिए एक मिनट का, कैसे ऐसे 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 अप एंड डाउन करेगा, यहाँ तक जाएगा, यहाँ पे रहेगा, कहीं पे भी होल्ड मतलब कि इन दोनों लाइन के बीच में स्टॉक रहेगा एक मिनट तक. उसके बाद अगर ऊपर जाने लगेगा तो आप उसे बाय करेंगे. अगर देखिए मान लीजिए अगर ऐसे स्टॉक आ रहा है और ऐसे ही एकदम से ये ऊपर बढ़ने लगा, तो यहाँ पे अगर इसने एक मिनट का होल्ड नहीं लिया, दोबारा से कॉन्स्टेंटली बन रहा है, तो आप इसे बाय नहीं करेंगे. हो सकता है ये दोबारा से नीचे गिरे. सेम ऐसी रूल जैसे गैप अप ओपन के लिए गैप डाउन के लिए भी है, बस इसका उल्टा.
हो जाएगा, जैसे यहाँ से ऊपर जाएगा उसके बाद यहाँ होल्ड लेगा और फिर नीचे आएगा तब आप शॉर्ट सेल करेंगे। ऐसे ऊपर जाने के बाद ऐसे एकदम से नीचे आने में आप बिना होल्ड के आप शॉर्ट सेल नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। और टाइमिंग रहेगी आपकी 10 बजे की, यानी कि 10 बजे के अंदर अंदर, 10 बजे के अंदर अंदर अगर ये सब हो जाता है, होल्ड ले लेता है, स्टॉक गैप फिल कर देता है, तब आप उसे बाय या शॉर्ट सेल करेंगे, वरना आप उस स्टॉक को छोड़ देंगे। आपको आपकी डिस्प्ले में हमारा नंबर दिख गया होगा, नंबर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी आपको क्वेरी हो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, क्वेरी कर सकते हैं जो भी आपकी, मतलब जो भी क्वेरी है आपकी इंट्राडे के रिगार्डिंग, या फिर कुछ और आप प्लान के रिगार्डिंग में पूछना चाहते हैं, हमारे प्लान के लिए सब्सक्राइब करना चाहते हैं, वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्लस वेबसाइट का ये लिंक दिख रहा होगा आपको, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वेबसाइट पर आप क्लिक जाके हमारी लेटेस्ट अपडेट दे सकते हैं और प्लान सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ईजिली। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।